हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्मार्टफोन तो सब यूज़ करते हैं, और फिर गाइस वही स्मार्टफोन का वही लॉन्चर देखते देखते हर कोई जो है सेम चीज़ देखते देखते, चाहे वो फ़ोन कितना ही महंगा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट गाइस अगर आप उस चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ जो है पुरानी हो गई है। सो गाइस यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है आपके फ़ोन के साथ, आपको बोर हो चुके होंगे अपने लॉन्चर के साथ। सो गाइस यहाँ पे मैं लेके आ गया आप सभी लोगों के लिए ऐसे चार कमाल के लॉन्चर, जिसके वजह से जो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल ही एक अलग सा लुक दे पाएंगे। और अलग सा लुक देने के बाद जो है यहाँ पर ये जो लॉन्चर सारे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही लाइट वेट लॉन्चर है, ये आपके बैटरी यूसेज को भी बचाएंगे। और फिर गाइज आपका मतलब कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, आपका फ़ोन भी कमाल का देगा और आपका बैटरी यूसेज भी बचेगा। सो गाइज यहाँ पे चारों तरफ से जो आपका फायदा होने वाला है। सो गाइज अगर आप इन चारों लॉन्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहला लॉन्चर है उसका नाम है ओ लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, ओ लॉन्चर बात करें अगर इस लॉन्चर की, तो गाइज ये जो एंड्रॉइड 8.0 जो है बहुत ही पहले लॉन्च हो चुका है, बट गाइज अभी भी जो है ये बहुत सारे स्मार्टफोन में नहीं है। अभी भी कंपनी स्मार्टफोन निकालती है तो उसमें एंड्रॉइड 7 ही देती है। सो गाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको इस लॉन्चर के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से जो आप बिल्कुल लॉन्च किट एंड्रॉइड 8.0 का फुल मजे ले पाएंगे। सो गाइज यहाँ पे अगर इस एप्लीकेशन इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको थीम्स एंड आइकन पैक मिल जाएंगे, 500 प्लस लॉन्चर थीम्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, गेस्टर्स मिल जाएंगे, गेस्टर 9 गेस्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस लॉन्चर की मदद से एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, साइड स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, नोटिफायर काउंटर जलाइक गाइज आपको यहाँ पे बता देगा आपने कौन से मैसेज को रीड किया। ये लॉन्चर का अपना ओन फीचर है जो कि बहुत ही कमाल का। फिर गाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को देखें तो इसके बहुत ही कमाल का नोटिफिकेशन बार है। और फिर गाइज यहाँ पे जो आप इसके सेटिंग्स की बात करें, गाइज सेटिंग्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइक जैसे आप प्राइम की रिमूव ऐड जो है वो तो खैर छोड़ दीजिए, डिफॉल्ट लॉन्चर आप इसे यूज़ कर सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पे फोल्डर स्टाइल और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। डॉक को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, साइड स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते, इनेबल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। और फिर गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो गाइज उसके अंदर बस गाइज वो जो है प्रीमियम वर्जन में ही काम करेगा, अनरीड काउंटर और प्राइम की में ये वर्क करेगा, और गेस्टर्स में भी जो आपको बहुत सारे गेस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, बट गाइज उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा प्रीमियम वर्जन। सो गाइज यहाँ पे इस लॉन्चर को यूज़ करेंगे तो आपको फुल फील आया कि आप एंड्रॉइड 8.0 यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज अगर आपको ये लॉन्चर पसंद है तो आप एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो अगला लॉन्चर है उसका नाम है पी लॉन्चर। बेसिकली इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज बहुत ही मॉडर्न एंड्रॉइड 9.0 पे की तरह ये दिखता है, और स्टाइल बहुत ही कूल है, इजी और बहुत ही पावरफुल लॉन्चर है। गाइज अगर इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज बेहद ही कमाल का लॉन्चर है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, बहुत ही इजी है इसे यूज़ करना। गाइज यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं ड्रॉवर को, ड्रॉवर मोड को मैनेज कर सकते हैं, डॉक को अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सेट कर सकते हैं, और फिर गाइज एप्लीकेशंस को जो है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग हाइड भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ड्रॉवर कलर को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्रॉवर कलर को सेलेक्ट कर लीजिए और वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। स्वाइप अप पे जो है आपका डेस्कटॉप से स्वाइप अप करते हैं तो गाइज ऐप मैनेजमेंट खुल हो जाएगा, मतलब सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और आप जो है इसे अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर इसे देखना है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। और फिर गाइज इंटरफेस की बात करें तो गाइज बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, नॉर्मल सा है, एंड्रॉइड 9.0 की तरह आपको यहाँ पर सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर गेस्टर्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे गेस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक गाइज स्वाइप अप स्वाइप डाउन, पिंच इन पिंच आउट, डेस्कटॉप डबल टैब, स्वाइप अप स्वाइप डाउन, रोटेट एंटी क्लॉक वाइज, रोटेट क्लॉक वाइज, टू फिंगर। सो गाइज यहाँ पे कुछ इतने सारे आपको गेस्टर्स मिल जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो गाइज आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो अगली लॉन्चर है उसका नाम है एपेक्स लॉन्चर। बेसिकली इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज बेहद ही कमाल का लॉन्चर है, और फिर गाइज इसका मेन जो फीचर ये है फुल्ली कस्टमाइजेबल लॉन्चर है। यहाँ पे आप इस लॉन्चर की मदद से जो आप अपने फ़ोन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो कुछ भी हो, अपने डेस्कटॉप का आपका डेस्कटॉप पेज हो या फिर आपका ऐप हो या फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर की बात करें तो गाइज ऐप को मैनेज कर सकते हैं, आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं होम स्क्रीन से ही, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लॉन्ग टैप करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। फिर गाइज सेटिंग्स की बात करें तो वॉलपेपर थीम मैनेज ऐप मैनेज स्क्रीन्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक सेटिंग्स की बात करें तो गाइज डॉक आइकन्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और कितने डॉक को अपने आपको होम स्क्रीन पर रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देख लीजिए विजिट पैडिंग ऐप एनिमेशन, और फिर गाइज और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, कुछ गेस्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर गाइज यहाँ पे अगर अगेन हम सेटिंग्स में जाए तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक गाइज यहाँ पे आपको बिहेवियर सेटिंग्स की बात करें तो गाइज वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग फुल्ली एडिट भी कर सकते हैं। सो गाइज आप इसे भी ट्राई कर। दोस्तों, मैं लिस्ट में जो अगला लॉन्चर उसका नाम है एक्स लॉन्चर। जैसे दोस्तों आपको नाम सुन के पता चल ही गया होगा ये क्या है,
गाइस जिनके पास पैसे कम है एंड्रॉइड फ़ोन ले लेते हैं, और फिर गाइस मन होता है उनका आईओएस वाले फ़ोन चलाने का, एप्पल टाइप के फ़ोन चलाने का आईओएस डिवाइस। तो गाइस वो यहाँ पे पैसे की तंगी की वजह से ले लेते हैं एंड्रॉइड, बिकॉज एंड्रॉइड में फीचर्स भी हमें ज़्यादा मिलता है, और फिर गाइस एप्पल में वैसे फीचर्स भी नहीं मिलते, और फिर गाइस पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर आपने एंड्रॉइड फ़ोन ले लिया है और आपका चलाने का मन है आईओएस एप्पल्स के फ़ोन, सो गाइस यहाँ पर आप इस लॉन्चर को यूज़ करके जो अपने मन को बस खुशी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसे यूज़ करके तो आपको सारा इंटरफेस एप्पल की तरह ही मिलेगा, यहाँ पर फुल कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं है, हाइड ऐप को साइड आप इसमें हाइड कर सकते हो, और फिर गाइस यहाँ पे जो है आपको फुल टू फुल सारे फीचर्स जो है एप्पल की तरह मिल जाएंगे, आइकन वाइकन थीम सिम सब कुछ एप्पल की तरह मिल जाएंगे। सो गाइस आप इसे एप्पल की फील को लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया ऐसे चार लॉन्चर के बारे में, अगर आपको यहाँ पे कोई भी लॉन्चर पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फिर गाइस नीचे कमेंट में जो अपना फेवरेट लॉन्चर कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा को भी दबा दीजिए।